पुष्पा झुकेगा ना ए पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। बड़े दिन से कोशिश मेरी है क्योंकि मैं नॉर्मली भी रील्स वील्स बनानी मुझे आती नहीं है, लेकिन जब से मैंने पुष्पा देखी ना हर रोज उसकी 10-12 रील्स दिख जाती हैं हर रोज। और अब तो क्या नाम है, रील्स वाले मीम्स बनने लगे हैं। मतलब पहले तो मीम्स सिर्फ मीम्स होते थे, अब रील्स वाले मीम्स बनने लगे हैं। मतलब कोई भी जो है वो उसी तरह से चल रहा है, उसी तरह से बोल रहा है। तो मतलब आप दिखा दीजिए मुझे, मतलब मुझे तो नहीं आता कि आप पुष्पा झुकेगा ना ए पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ये बताइए कि जब आपने किए आपको लगा था कि इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी? नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट अमित, आप कोई भी जब फिल्म करते हो या कोई सीरीज करते हो तो बिल्कुल आपको कोई अंदाजा नहीं होता। आप तो अपने कन्विक्शन से एक चीज करते हो और उसके बाद जब हम यू नो ऑडियंस के सामने उसको पेश करते हैं तो वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट करती रहती है। कुछ चीज उनको अच्छी लगती है, कुछ नहीं लगती है, और कभी कभी कुछ चीज पुष्पा जैसी लग जाती है जो बहुत अच्छी लगती है, और मतलब देयर इज नो हिसाब, हिसाब के बाहर उसे इतना प्यार मिला है। और मैंने तो यार ऑनेस्टली कभी सपने में नहीं सोचा था कि डबिंग के लिए मुझे इतना प्यार मिलेगा। यू नो मेरे वॉट एवर लिटिल करियर में, इतने एक्सपीरियंस में, मैंने आज तक डबिंग के लिए ऐसा नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बाकी भी इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि सक्सेस सक्सेस होता है यार, यू नो वो किसी भी तरीके से आए, किसी भी चीज के लिए आए, आपके काम के लिए सक्सेस आना, ऑडियंस को आपका काम पसंद आना, ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड तो वही होता है। सो इट फील्स ग्रेट के एंड इट फील्स एज इफ यू नो आई एम पुष्पा, यू नो कि मैं टेक्निकली तो मैं ना डायरेक्टर्स ना एक्टर्स ना प्रोड्यूसर मैं किसी से नहीं मिला हूँ। यू नो मतलब मैंने बस 6-7 दिन वहां जाके डबिंग की है, बट टुडे आई फील एज स्ट्रांगली एज पार्ट ऑफ द फिल्म एज एनीबडी एल्स हु हैज एक्टेड इन द फिल्म और बीन अ टेक्नीशियन इन्वॉल्वड इन द फिल्म। सो इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट फीलिंग। मतलब मुझे लगता है कि 14-15 साल हो गए मुझे एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म करते हुए, तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने डबिंग की और उसके पीछे हम पड़े कि यार इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। नहीं वाकई में मतलब ये मेरे लिए भी सच बोलूं तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन जैसे आप कह रहे यू नो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि डबिंग के लिए इतनी क्या कहते इतनी तारीफ, इतना प्यार और इतनी रील्स, इतना पता नहीं क्या क्या, यू नो तो ये मेरे लिए तो तुम मुझसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, तो मैं पहले 2 मिनट के लिए कहता हूँ कि मैं 2 मिनट तो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि मैंने तो सिर्फ डबिंग की है। एक्चुअल काम तो जिस बंदे ने किया है ऑफकोर्स उनकी तो बहुत तारीफ हो रही है, बट मेरा काम भी उन्होंने बहुत आसान कर दिया। अल्लू जी ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है कि मुझे सिर्फ उनके इमोशन रेप्लिकेट करने थे, बट वो लोगों को कहीं ना कहीं वो आवाज छू गई, वो इमोशंस छू गए, वो चीज उनको अपनी लगी, रिलेट कर गए, एंड दैट्स द रीजन यू नो इतना प्यार बरसा रहे वो। सो ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड टू बी ऑनेस्ट, वेरी हम्बल्ड बट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, भगवान का लाख लाख शुक्र है। यू नो क्योंकि जब प्रोमो पहली बार आया, मैंने डबिंग वगैरह सारी की, और जब पहली बार प्रोमो आया और जब मैंने आवाज सुनी, तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी रिलीज है। एंड यू नो जब लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए, तब आई रियलाइज कि नहीं यार इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई होप कि मैंने जो काम किया है वो लोगों को पसंद आ जाए। और आज जब न्यूज आती है कि OTT पे रिलीज होने के बावजूद थिएटर में आज भी वो फिल्म कमाई कर रही है और 100 करोड़ हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ किए,
तो बहुत अच्छा लगता है यार वाकई में। यू नो मेरी वाइफ ने कहा ले गोलमाल के बाद तेरी एक और 100 करोड़ वाली पिक्चर आ गई। नहीं नहीं, और मतलब ये आप मानेंगे नहीं, जब मैंने फिल्म देखी हिंदी वर्जन, जाहिर है हम तो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी वर्जन देखा जब मैंने, पहले साउथ वाली नहीं देखी हुई थी, तो फिर जब मुझे पता चला कि आपने डबिंग किया, तो मैं मतलब इतना शॉक हुआ, मैंने कहा है मतलब स्ट्रेस चल पड़े ऐसी डबिंग, क्योंकि इससे पहले आपने लॉयन किंग के लिए की थी, लेकिन सेकेंड फिल्म ही डबिंग की और इतनी बड़ी हिट हुई, तो लेकिन आपने तो बहुत ज्यादा डबिंग की भी नहीं है, तो मिली कैसे ये फिल्म? ये आई गेस जब आपके तकदीर में वो चीज आनी होती है तो वो आपके पास आ जाती है। जो लायन किंग के वक्त हमारे डबिंग डायरेक्टर थे अबुल जी, मतलब उस टीम में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने लायन किंग के वक्त मेरी डबिंग देखी थी, उनको काम पसंद आया था, और जब पुष्पा के लिए बात चल रही थी, दे वर लुकिंग फॉर एन एक्टर बेसिकली टू परफॉर्म दैट पार्ट और डब दैट पार्ट, तो तभी कुछ नाम शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, तो उसमें मेरा एक नाम था, एंड तो उन्होंने दे कॉल्ड मी अप एंड दे आस्क्ड मी कि यू नो हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, आप वुड यू बी कीन ऑन डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कहा यार मैं एक ही बार कर चुका हूँ लायन किंग से, तो और साउथ की फिल्म मैंने कभी कोशिश की नहीं है, बट ट्राई करना चाहूंगा, मैं एटलीस्ट पिक्चर देखना चाहूंगा और फिर मैं डिसाइड करता हूँ। तो जब मैंने पिक्चर देखी तो आई वॉज कम्प्लीटली फ्लोर्ड, बिकॉज आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर पिक्चर है, और गाने वाने सुपर हिट, उनका परफॉर्मेंस जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने अपना परफॉर्म किया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो आंखें बोलती है, प्लस उनका जो स्वैग है, मैंने कहा इस कैरेक्टर को अपने तरीके से डब करने में मजा आएगा, तो कोशिश करते हैं। और इसलिए मैंने उनसे कहा कि सर पहले एक दिन तो सिर्फ ट्रायल करते हैं, यू नो थोड़ा वॉइस की सैम्पलिंग करते हैं, कि मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग तरीके से कौन सा वॉइस सबसे ज्यादा सूट करेगा, किस तरीके से होना चाहिए, उसका स्वैग क्या होना चाहिए। तो हमने सैम्पलिंग की और मैंने कहा कि आप प्लीज एक काम कीजिए, आप हो सके तो सुकुमार जी को और अल्लू जी को ये वॉइस भेजिए, यू नो लेट देम हियर इट, क्योंकि क्या अगर मैं अपने अपने आप को उनकी जगह पे रखूं, और मेरी कोई अगर फिल्म ऐसी पैन इंडिया रिलीज हो रही हो, रीजनल फिल्म, और कोई और उसको डब कर रहा हो, तो मैं जरूर चाहूंगा कि यू नो कैसे कर रहा है वो बंदा, क्या आवाज कैसी लग रही है। तो मैंने कहा आप उनको भेजिए, उनको सुनने दीजिए, उनका जब फीडबैक आएगा तब मैं डबिंग शुरू करूंगा। तो लकीली उन्होंने वो भेजा, अल्लू जी ने सुकुमार जी ने सुना, दे लाइक्ड इट एंड दे सेड नहीं नहीं यार वी कैन कंटिन्यू बिकॉज़ द वॉइस रियली मैचेस विद अल्लू जी। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड यू नो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कंप्लीटली एंजॉयड द डबिंग प्रोसेस, बिकॉज वो पिक्चर इतनी इतनी एंटरटेनिंग है कि बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं हो। एंड अल्लू जी इज you know I like him as an actor, I have seen a couple of his films and I really like him, I admire him. So maine kaha yaar mera favorite actor hai wo, uski picture pan india release ho rahi hai to apan to jaan laga dalenge, you know we'll make sure ki jo bhi cheez bahar jaye unki wo A1 tagdi honi chahiye. So we just had a great time dubbing and I'm glad that it worked out with time. Unse mulaqat to aapne bataya nahi hui allu ji se ab tak? नहीं अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। तो फोन पे बात हुई फिर उसके बाद डबिंग वोबिंग करने के बाद? नॉट रियली नहीं, मैं एक्चुअली उसके बाद मैं अपनी शूटिंग के लिए बाहर निकल गया, आई एम श्योर ही मस्ट बी बिजी विद हिज ओन वर्क, तो अभी तक बात हो नहीं पाई है, बट मैं मिलना जरूर चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट हिम एंड आई एम यू नो आई वुड लाइक टू स्पीक विद हिम ऑल्सो बिकॉज आई रियली एंजॉयड हिज वर्क पर से। डबिंग तो दूसरी बात है, बट एज एन एक्टर उन्होंने फिल्म में जो काम किया है वो मुझे बेहद पसंद आया, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं उनसे मिलूं या एक बार बात करूं। तो ये एक ऐसी फिल्म रही जो जिसने एक तरह से ऐसा धमाका किया कि अब सब कह रहे हैं कि अब तो भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है कि भाई जो अच्छी फिल्म होगी वो चलेगी, चाहे साउथ की डब फिल्म है, बॉलीवुड अच्छी बनाएगा तो चलेगी। और मतलब आपको लगा था कि इस हद तक इस फिल्म को कामयाबी मिलेगी कि इसको एकदम गेम चेंजर माना जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट अमित, नहीं, मतलब ऑफ कोर्स हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर चाहता है
कि आपकी पिक्चर चले और हिट हो जाए, लेकिन ऐसा सेंसेशन होना यू नो इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. और ये कभी कोई सपने में भी नहीं सोचता. हम जब काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी बड़ी से बड़ी जो फिल्में हम बनाते हैं ये सोच के जब बनाते हैं कि ये देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह पिट जाती है कि मतलब पानी नहीं पूछती यू नो. और कभी कभी कुछ छोटी सी फिल्में पता नहीं कहाँ से आ जाती है या कुछ अलग फिल्में आती है और पूरा गेम चेंज करके चली जाती है. सो आई थिंक पुष्पा इज वन सच फिल्म यू नो, जो उन्होंने अपने कन्विक्शन से वो पिक्चर बनाई ओके और वो लोगों को पसंद आई. बट लाइक यू सेड वेरी करेक्टली कि एक रीजनल फिल्म जो डब होके पैन इंडिया रिलीज होती है और आज उसकी डबिंग वर्जन 100 करोड़ कमाती है, तो इट इज अ ह्यूज गेम चेंजर फॉर ऑल रीजनल सिनेमा यू नो इंक्लूडिंग मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जो अपने पॉकेट्स में ऐसा लगता है जैसे हम मानते थे कि यार मराठी पिक्चर को सिर्फ महाराष्ट्र ही टेरिटरी है. आज पुष्पा के वजह से वो गेम ही चेंज हो गया है. वो सारी टेरिटरीज खुल गई, सारी खुल गई सर. आप उसको डब करो और रिलीज करो, अगर वो पिक्चर अच्छी है तो आपको पता है कि वहां ऑडियंस है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मार्केट बिकॉज टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज योर मार्केट. अच्छा, सबसे टफ डायलॉग या सबसे टफ सीक्वेंस कौन सा रहा जिसमें आपको लगा हो यार मतलब यहां फंस गया? सबसे चैलेंजिंग था मेरे लिए क्लाइमैक्स डब करना बिकॉज बड़ा अनयूजुअल सा क्लाइमैक्स है यू नो. मतलब पूरी पिक्चर में इतनी एक्शन हो रही है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्लाइमैक्स में भी बड़ी मारधाड़ होगी, वैसा कुछ नहीं होता. मतलब दो जन है और दो ही जन में वो डायलॉग बाजी उनकी चलती है, तो वो जो सारा ट्रांजिशन था वो मेरे लिए एंड प्लस यू नो इट इज दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट कैरेक्टर के इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं होती वगैरह वगैरह सारा जो उनका सुर चढ़ने लगता है एक पॉइंट. तो वो मैंने कहा था कि सर वो मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आऊंगा एक दिन और पूरा सीक्वेंस एक साथ कर लूंगा यू नो, ये मैं टुकड़ों में या पहले ये बाद में वो वैसा नहीं करना चाहता. दैट इज अ सीक्वेंस जिसकी कंटिन्यूटी मैं खुद मेंटेन करना चाहता हूँ एज एन एक्टर. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था. बट कुछ कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी है कि जो मैंने शाम को किए एंड देन आई रीडब देम इन द मॉर्निंग, कि मैं चला गया घर चला गया, मैं सोते सोते मैं सोच रहा था कि यार ये सीक्वेंस थोड़ा और मजेदार हो सकता है. जैसे यही जो डायलॉग था कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है, तो ये मैंने किया हुआ था. बट आई वेंट बैक इन द मॉर्निंग एंड आई सेड अबुल जी वो डायलॉग मैं वापस करना चाहता हूँ बिकॉज लाइक यू राइटली सेड आज तक मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया नहीं है. मैं कब करूंगा मुझे पता नहीं है. लेकिन इस फिल्म के बहाने यू नो एज एन एक्टर आपको एक मौका मिलता है कि अगर ऐसा कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो तो कैसा करोगे यू नो. सो आई जस्ट इमेजिन्ड माइसेल्फ ओवर देयर इन हिज प्लेस कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और अब मुझे परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूँगा. तो मैं बस वो कर रहा था. एंड ऑफकोर्स ये सारी जो डायलॉग बाजी है कि ये पुष्पा पुष्पराज भाई झुकेगा नहीं, इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि वो इमोशन भी सही है. प्लस मराठी का हमने तड़का बीच बीच में लगाया यू नो. हाँ ये भी मैं आना चाह रहा हूँ कि मतलब साउथ में आपने मराठी का तड़का लगा दिया. ये हमारे जो अबुल जी है ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है. ये उनकी आइडिया थी कि सर थोड़ा मराठी का तड़का लगाइए ना, कि आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपके लिए ईज रहेगा, थोड़े वर्ड्स डालिए बीच बीच में. तो हमने फिर शुरू किया यू नो जब माइला मस्त कावरा बावरा ये रताड़िया आईचा गावा एंड ऑल दोस थिंग्स एंड इट वर्क्ड बिग टाइम. इट वर्क बल्कि जब अल्लू अर्जुन इतने बड़े स्टार हैं कि अगर कोई उनका गाना करता है ना तो हाई चांसेस होते हैं कि ट्रोल हो जाएगा कि भाई क्योंकि उनके उनका फैंडम अलग ही लेवल का है कि भाई उनको अल्लू अर्जुन को ही नाचते हुए देखना है. लेकिन आपने साउथ को भी मराठी के साथ मिक्स कर दिया और इतना ह्यूज रिस्पॉन्स मिला. अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा? एक डायलॉग है उसमें जंगल में वो श्रीनु जो कैरेक्टर है उनको फोन करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया मैं, राज करने के लिए आया मैं. सो आई थिंक वो जो सीक्वेंस जिस तरीके से होता है पूरा एनएक्ट पूरा एक्शन वैक्शन होता है एंड देन ही टेक्स दैट फोन,
बोलता है कि भाई इसको क्या करे, इसको छोड़ना पड़ेगा। एंड वो कहता है हटाओ यार, नो फोन लगा, उनका फोन है, चलो फोन लगा, मैं बात करता हूँ। एंड देन ही विद दैट पावर एंड पोजीशन एंड अथॉरिटी ही सेज के बॉस मैं तेरे फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं है, मैं इधर अपना राज करने के लिए। सो आई थिंक दीज आर द मोमेंट्स एज अ कैरेक्टर व्हेन यू लुक एट देम यू फील कि ये पंच है, ये पंच है, ये पंच है। सो देन यू गिव इट दैट एंटायर फोर्स एंड यू से इट विद दैट फोर्स एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। लेकिन ये जो रोमांस करता है वो भी फिर बिल्कुल अलग ही अंदाज में करता है। मेरा थिंकिंग उस वक्त ये था जो आई होप कि यू नो एज अ कैरेक्टर उनका भी रहा होगा कि ये बंदा ये जानता है इसको क्या हासिल करना है इन टर्म्स ऑफ हिज स्टेचर, यू नो कि बचपन से उसके साथ नाइंसाफी हुई है और अब उसको मतलब अपना अचीव करना है जो भी है स्टेचर। तो इन दैट सेंस ही नोज कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए। बट वेन इट कम्स टू, और वो बड़ा सीधा बंदा है, स्ट्रेट बंदा है, इज वेरी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो उसको कुछ छुपाने उपाने वाला फंडा है नहीं, बट स्मार्ट बंदा है। बट वेन इट कम्स टू रोमांस, यू नो ही इज एन एक्सट्रीमली नाइव पर्सन के उनको पता नहीं है अब लड़की के साथ क्या कैसे बात करे, क्या बोलना चाहिए। तो उनका जहां वो शुरू होता है ना कि लड़की ने देख अगर देख लिया तो मैं पहल करूंगा, जहां ये he's not ओवर स्मार्ट, यू नो he's not के अब मैं देख जाके लड़की को कैसे इम्प्रेस करता हूँ, वो नहीं है, बहुत सीधा बंदा है वो। और वो चाहता है कि लड़की अगर देखेगी ना तो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है, फिर मैं जाके थोड़ा थोड़ा पहल कर सकता हूँ। यू नो सक्सेस ऑफ पुष्पा इज ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स हैव टेकन अप टू पुष्पा, यू नो टेकन अ लाइकिंग टू पुष्पा। तो एक बच्ची ने बड़ा बड़ा प्यारा सा बनाया था कि पुष्पा नाम सुन के फाओ 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 समझे क्या फाओ नहीं फायो 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 इतना क्यूट था वो वीडियो, मैंने शेयर भी किया था। तो ये कुछ ऐसे प्यारे प्यारे से वीडियो, अभी तो इतने बच्चे रोज मुझे भेजते रहते हैं, टैग करते रहते हैं। हार्दिक पांड्या ने अपनी नानी के साथ बनाया। Oh, really? तो मैं देखूंगा जरूर देखूंगा। So, even David Warner did whole Pushpa Raj thing. तो हमारे लिए तो पुष्पा आप हैं क्यों आप नहीं होते तो हम कैसे समझ पाते उसको, सबटाइटल्स में तो वो मजा नहीं आता ना। जी जी जी, no, that's really sweet of you. Very thank you so much for the interview and for this fabulous film, दोनों चीजों के लिए। थैंक यू।